नमस्ते एवरीवन, मैं रितिका सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और आपका दिन भी अच्छा जा रहा होगा। ओके, सो आज मैं पहली बार अपने 1.5 साल पुराने चैनल में हेयर केयर वीडियो करने जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हॉल्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड कभी कभी व्लॉग्स अपलोड कर रही थी। मैंने हेयर केयर अपलोड ही नहीं किया बहुत दिनों से, तो आज पहली बार मैं हेयर केयर वीडियो करने जा रही हूँ। एक बार मैंने शूट तो की थी, बट आई डिडंट अपलोड दैट फॉर सम रीजन्स, एंड आई एम 100% श्योर कि ये जो रेमेडी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको अगर विश्वास नहीं होता सो आई विल से कि आप इसको महीना डेढ़ महीना करके देखिए एंड देन थैंक मी लेटर इफ सो, क्योंकि देखिए इट डिपेंड्स ऑन योर हेयर क्वालिटी एंड हेयर टाइप की आप पे ये रेमेडी कितना जल्दी इफेक्ट करेगी। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, प्रॉपरली इलैबोरेट करके रेमेडी शेयर करूँगी, ट्यूटोरियल दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, और लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 एलोवेरा और आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरीके से काट रही हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो उसमें से जब आप एलोवेरा तोड़ें तो जो इसका येलो पार्ट होता है उसको आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं होती है बालों के लिए। उसके बाद इसका जो कांटे वाला पार्ट होता है मैंने उसको निकाल के अलग किया, फिर एक एलोवेरा को 2 पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद अगर आपके टचवुड मेरे ज़्यादा बाल हैं, लाइक घने हैं थोड़े से, तो इसलिए मैंने 2 एलोवेरा लिए। अगर आपके कम बाल हैं, ज़्यादा बाल हैं, तो अपने बालों के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं अंदाजे से। अगर छोटे एलोवेरा हैं तो 3 ले सकते हैं, अगर इतना ही बड़ा एलोवेरा है तो 2 ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं सिर्फ आपको चक्कू को रगड़ना है एलोवेरा पे एंड उसका जेल बाहर आ जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस जो कि मैं आगे करूंगी आपको उसको फॉलो करना है। आपको इस एलोवेरा को मिक्सचर ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए इसका टेक्सचर, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं वो रह जाते हैं और फिर वो बालों में अच्छे से लगेंगे नहीं, इसलिए आपको इसको मिक्सचर ग्राइंडर भी करना है। जैसा कि मैं आगे करूंगी, यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है हमारा सेकंड मेन इंग्रेडिएंट और ये है प्याज। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक प्याज लिया है क्योंकि प्याज जो होती है वो गर्म होती है, तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में प्याज लगा लेते हैं तो वो आपके बालों के लिए अच्छी नहीं होती। तो हमेशा सिर्फ एक प्याज लीजिए किसी भी इंग्रेडिएंट में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरीके से काट रही हूँ। जैसे नॉर्मली प्याज कटती है वैसे ही काटना है, बड़े बड़े पीसेज में। और प्याज जो है, अगर आपने YouTube पे बहुत रिसर्च किया अपने बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, तो आपने इतना तो नोटिस किया ही होगा कि प्याज रामबाण होता है हेयर ग्रोथ के लिए। तो मैं 100% एग्री करती हूँ कि प्याज से अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती आपके हेयर ग्रोथ के लिए कुछ भी। ओके, तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े पीसेज में प्याज काट लिया है। अब इसको मैं मिक्सचर ग्राइंडर में डालूंगी और इसको अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। पर उससे पहले एक और चीज़ करनी है आपने, और वो है कि आपको ये बोनस इंग्रेडिएंट ऐड करना है, और वो है जिंजर। तो इस जिंजर को आपको छोटे छोटे पीसेस में डाल के इसमें मिक्सचर ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि जिंजर भी बहुत हेल्पफुल होता है हेयर ग्रोथ के लिए। मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट व्हेन आई वाज शूटिंग दिस वीडियो तो मैंने डिसाइड किया कि जिंजर भी डलेगा अब। तो जिंजर भी बहुत अच्छी चीज़ होती है बालों को घना बनाने के लिए। अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी, उसके बाद आके इसको अच्छे से छन्नी से इसका जूस निकाल लूंगी। लेट मी शो यू कि जूस कैसा दिखता है बाद में। तो यहाँ पे है हमारा एलोवेरा जेल जिसको कि हमने मिक्सचर ग्राइंड किया था। उसके बाद ये रहा अनियन प्लस जिंजर जूस। बहुत कम जूस निकलता है अनियन में से, ये भी इतना इसलिए निकला क्योंकि मैंने 1.5 चम्मच पानी डाल दिया था अपने इंग्रेडिएंट में। उसके बाद हमें इन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है। अनियन को मैं डाल दूंगी इस बोल में, यानी कि एलोवेरा जेल में, लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे मैंने पैराशूट ऑयल लिया है क्योंकि कोकोनट ऑयल भी बहुत अमेजिंग होता है, और इसको मैंने ये एक छोटा सा चम्मच है मेरे पास, इसके अनुसार इतना सा ही डाला है। आप देख सकते हैं कितना डाला, ज़्यादा नहीं, 3-4। ऑलराइट, तो आप फिलहाल मेरे बाल देख सकते हैं। मैंने परसों बाल धोए थे, आज फ्राइडे है एंड मैंने वेडनेसडे को अपने बाल वॉश किए थे लास्ट टाइम, सो ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके हैं। सो यू कैन सी दैट हाउ माय हेयर्स आर लुकिंग राइट नाउ, थोड़े से फ्रीजिंग हैं। सो इस मिक्सचर को लगाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तरीका पहला ये कि अगर आपसे बने तो आप हाथ से लगा सकते हैं, लाइक टेक इट ऑन योर हैंड एंड देन अपने हाथों से ही फिंगर टिप से आप इसको ऐसे ड्रॉप कर लीजिए एंड देन मसाज करिए। दूसरा ये ड्रॉपर, आप ड्रॉपर से डायरेक्ट अपने स्कैल्प पे इसको ड्रॉप करके एंड देन मसाज कर सकते हैं, सो ये ज़्यादा ईजी है। तीसरा, आपके पास स्प्रे बॉटल हो तो आप स्प्रे बॉटल ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है।
और चौथा आप कॉटन बॉल ले सकते हैं, कॉटन बॉल से इसमें डिप करके एंड देन स्क्वीज कर सकते हैं अपने स्कैल्प पे, उसके बाद आप मसाज कर सकते हैं। बट मैं दूसरा करने जा रही हूँ, यानी कि मैं ड्रॉपर से लगाऊंगी इस मिक्सचर को। सो लेट मी टेक माय ड्रॉपर। अगर आपके पास ये वाली कोम है जैसे कि हम हेयर स्टाइल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे पार्टीशन करना बहुत ईजी रहता है। फिलहाल मैं मिडल पार्टीशन करूँगी, मिडल पार्टीशन से शुरुआत करूँगी। पार्टीशन करेंगे लाइक दिस, थोड़ी थोड़ी गैप पे ही आपको पार्टीशन करना है एंड देन ड्रॉपर से अपना प्रोडक्ट अपना मिक्सचर लगाना है। बालों को इस तरीके से नीचे करके एंड देन पीछे की तरफ ड्रॉपर से अपना मिक्सचर लगाऊंगी। अब मैं बाल बांध लेती हूँ, उसके बाद 15 मिनट बाद हम बाल खोलेंगे। ओके सो जैसा कि आपने देखा कि मुझसे जितना हो सका उतना एलैबोरेट करके मैंने डिटेल्ड रेसिपी शेयर की है आपके साथ, बना के दिखाया है, लगा के दिखाया है। सो आई होप कि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ओके सो जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा था, मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप इसको महीना डेढ़ महीना करके देखिए एंड देन टेल मी कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। ओके तो मैंने आपको हेयर वॉश करके तो नहीं दिखाया, मैंने सिर्फ लगा के दिखाया। हेयर वॉश का जो प्रोसेस होता है इस रेमेडी को लगाने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे कि आप आम तरीके से बाल धोते हैं वैसे ही धोना होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा अप्रिशिएट होके और यू नो हैप्पी फील करके और भी ज़्यादा ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस को डालूं एंड आपके साथ शेयर करूं ऐसे ही टिप्स एंड रेमेडीज़। सो उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड कलर का बटन दबा के आपको एक घंटी भी बजानी है, दबानी है, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले मेरी वीडियो का। और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ताकि मुझे तो पता चले ना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। उसके बाद आपने कमेंट में कुछ भी अच्छा सा लिखना है टू अप्रिशिएट मी एंड टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। और आप चाहें तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो क्या देखना चाहेंगे। बाय बाय।